नमस्कार वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर क्राइम ब्रांच का सुपारी गोदाम पर छापा, ट्रांसपोर्ट प्लाजा परिसर में छापा, गोदाम सील। दसवीं और बारहवीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी जानकारी। और एसटी महामंडल कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में, बिना शर्त काम पर लौटने के प्रस्ताव के बावजूद नहीं लौटे कर्मचारी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर सुपारी जब्त कर सुपारी गोदाम को सील कर दिया है। पुलिस को दिल्ली से प्रतिबंधित सुपारी का ट्रक नागपुर आने का पता चला। इसके आधार पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी चिन्मय पंडित की अगुवाई में यूनिट 3 के लकड़गंज के ट्रांसपोर्ट प्लाजा परिसर में दबिश दी गई। पुलिस ने दिल्ली से आए ट्रक को रोका, उसमें सुपारी की 350 बोरियां होने का पता चला है। चालक ने पूछताछ क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित सुपारी के संदेह में लकड़गंज के ट्रांसपोर्ट प्लाजा परिसर में छापा मारकर बड़े पैमाने पर सुपारी बरामद की है। गुरुवार को दोपहर हुई कार्रवाई में से ट्रक मोह रानीपुर ट्रांसपोर्ट के अनूप नगरिया का होने का बताया। पुलिस ने नगरिया को तलब किया, उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए सुपारी दिल्ली से आने का बताया। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को राजेश पाहुजा नामक व्यापारी के गोदाम पर भी प्रतिबंधित सुपारी होने का पता चला। पुलिस को गोदाम की जांच करने पर सुपारी की 120 बोरियां मिली। पुलिस के अन्य स्थानों पर दबिश देने की आशंका से कापसी खुर्द के बियर बार के पास स्थित दो गोदाम से करीब 1 करोड़ की सुपारी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दी गई। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने FDA को कार्रवाई की सूचना दी। FDA दल ने नगरिया तथा पाहुजा के गोदाम से मिली सुपारी की जांच की और गोदाम को सील करने की प्रक्रिया शुरू की। इस कार्रवाई से व्यापारी में दहशत का माहौल है, जबकि अचानक हुई इस कार्रवाई की चर्चा गुरुवार दिन भर रही। नागपुर में बिना शर्त काम पर लौटने का प्रस्ताव देने के बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले एसटी कर्मचारियों पर एसटी महामंडल कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। निलंबित कर्मचारियों की जांच पूरी होने पर कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि 2007 से लेकर 2021 तक एसटी कर्मचारियों ने कुल 4 बार हड़ताल किया है, लेकिन कभी भी किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया है। वैसे ये हड़ताल भी महामंडल के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल है, जो करीब 40 दिनों से जारी है। इससे पहले हुई तीनों ही हड़तालों में किसी भी कर्मी को नागपुर महामंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है। ये पहला मौका होगा जब एसटी के नियमित कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जाएगी। दसवीं और बारहवीं की परीक्षा का टाइम टेबल जाहिर किया गया है। दसवीं शालांत परीक्षा 15 मार्च 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक ली जाएंगी। साथ ही बारहवीं की परीक्षा 4 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक होंगी। ऐसी जानकारी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। नमस्कार, आज मैं आपल्या सगळ्यांशी 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा संदर्भामध्ये संवाद साधण्यासाठी बोलत आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ओमिक्रॉन संदर्भामध्ये आपण सातत्याने मॉनिटरिंग करत आहोत, आणि हे करत असताना 10वी आणि 12वी ही विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून, पालकांच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं वर्ष असतात, आणि या परीक्षा कशा होणार, कधी होणार या संदर्भामध्ये सातत्याने आमच्याशी विचारणा होत असते, आणि आज या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठीच मी या ठिकाणी आलेली आहे की आपल्या माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे इयत्ता 10वी आणि उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे इयत्ता 12वीच्या परीक्षा संदर्भामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती अवगत करण्यासंदर्भात मी बोलत आहे। 12वीची जी परीक्षा असेल ती परीक्षा लेखी परीक्षा 4 मार्च ते 7 एप्रिल या कालावधीमध्ये होणार आहे। त्याचबरोबर इयत्ता 10वीची जी परीक्षा आहे, जी लेखी परीक्षा आहे, ती 15 मार्च ते 18 एप्रिल या काळामध्ये होणार आहे। या व्यतिरिक्त ज्या प्रात्यक्षिक लेखी व तोंडी परीक्षा असतील या 12वीच्या ज्या आहेत त्या 14 फेब्रुवारी ते 3 मार्च पर्यंत होणार आहेत।
आणि 10वी संदर्भामधल्या ह्या परीक्षा ज्या आहेत त्या 25 फेब्रुवारी ते 14 मार्च या कालावधीमध्ये ह्या परीक्षा होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छिते, आपली परीक्षा ही मागील काळामध्ये जशी ऑफलाईन पद्धतीने होत होती त्याच तऱ्हेने ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहे. मागील काळामध्ये आपण जसे पेपर देत होता तशाच तऱ्हेचा पेपर पॅटर्न आणि तशाच तऱ्हेचं मूल्यमापन यावेळेला सुद्धा असेल. आणि जे मूल्यमापन आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपली परीक्षा जी असते ती आपली परीक्षा लेखी परीक्षा जी असते त्या परीक्षेच्या माध्यमातून जे आपले पेपर असतील त्या संदर्भामधलं ते असेल. मी आपल्या सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देते आणि आपल्याला एवढंच सांगू इच्छिते की आपलं आरोग्य आणि आपली सुरक्षितता याच्यावर आमचं पूर्णपणे लक्ष आहे. येणाऱ्या काळामध्ये 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांच्या शुभेच्छा देत असताना या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने होतील आणि ह्या परीक्षा ज्या आहेत त्या नेहमी म्हणजे पूर्वीप्रमाणे जसं घडत आलं होतं त्याचप्रमाणे बोर्डाच्या माध्यमातून घेतल्या जातील. धन्यवाद. तेंदुवेका शिकार कर मध्यस्थ के जरिए वन्यजीव के खाल बिक्री करने वाला मुख्य आरोपी रामा फरार है. नागपुर और वर्धा वन्य विभाग की टीम पुलिस की मदद से रामा की तलाश में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार रामा पर वर्धा में हत्या के मामले सहित करीब 4 गंभीर मामले दर्ज है जिससे उसके आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का पता चलता है. ज्ञात हो कि वन विभाग नागपुर के विशेष दस्ते ने सोमवार की शाम वर्धा के निजी बस स्टैंड पर दबिश देकर तेंदुए के खाल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे. गिरफ्तार आरोपियों में वकील अहमद शेख इस्लामपुरा, दिलीप भजमन कुलसंगे चंदनखेड़ा, विनायक ट्यूलूजी मडावी मुधोली भद्रावती, महेंद्र अशोक आतराम बुरुडेटोला का समावेश है. आरोपियों को वन अधिकारियों ने न्यायालय में पेश कर 4 दिन 17 दिसंबर तक फॉरेस्ट कस्टडी रिमांड पर लिया है, जबकि इस मामले में मुख्य सूत्रधार की पुलिस तलाश कर रही है जो अभी तक फरार है. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ. Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. नागपुर मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने गुरुवार को धर्म पे, धंतोली और आशीनगर जोन के विविध इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर 3 ट्रक सामान जब्त किया. मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने धर्मपेट जोन के तहत काचीपुरा रामदासपेट लेंड्रा पार्क परिसर में 13 अनाधिकृत शेड तोड़ने की कार्रवाई की. इसके बाद अलंकार टॉकीज रोड के फुटपाथ पर जमे नर्सरी वालों को हटाया गया. इस दौरान ट्रक सामान जब्त किया गया. दूसरी टीम ने धंतोली जोन के तहत बैद्यनाथ चौक से ST बस स्टैंड, आज्ञाराम देवी मंदिर चौक तक रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाकर 1 ट्रक सामान भी जब्त किया. इसके बाद दस्ते ने प्रवर्तन निरीक्षक संजय कांबले के नेतृत्व में सिविल लाइन्स के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फुटपाथ से समोसा, पाटवड़ी वाले और अन्य दुकानों का अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया. तीसरी टीम ने आशीनगर जोन के तहत टेकाना का दुर्गा माता मंदिर चौक से कपिल नगर चौक से नारीगांव और वापस अंबेडकर चौक तक 32 अतिक्रमण हटाए. इसके बाद अंबेडकर नगर हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर जमे फर्नीचर विक्रेताओं को हटाया गया. वर्धा में आम आदमी पार्टी द्वारा जल प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता कार्यालय को चेतावनी दी गई है कि शहर में गड्ढों की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो ठिया आंदोलन किया जाएगा. इस विषय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता से चर्चा भी की. ज्ञात हो कि शिवाजी चौक से बजाज नगर चौक तक बड़े पैमाने में सड़क का कार्य बड़ी मंद गति से चल रहा है, जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द काम की गति को बढ़ाए और पूरा करे, अन्यथा ठिया आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया है। नगर परिषद सिओला मुख्य अधिकारी त्याचप्रमाणे प्राधिकरण विभाग यांना वारंवार म्हणजे माहितीप्रमाणे 7 ते 8 महिन्यापासून आपला फॉलोअप चालू आहे। या संदर्भात पेपरवाईज सुद्धा झाले, सोशल मीडिया सगळीकडे झाले। दांडेकर साहेब आमचे या डिपार्टमेंटचे इंजिनियर आता परवाच्या दिवशी सोमवारला तिथे साईडवर जाऊन आले, त्यांनी पाहणी केली, त्यांनी सांगितलं बुधवारपासून काम सुरू करतो, पण बुधवार आमचा लुटून गेला। आम्ही त्यांना त्याच दिवशी अल्टिमेटम दिलं, गुरुवारी आम्ही तुमच्या कार्यालयामध्ये येऊ। आज अनाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रिका पुरे यांच्यासोबत भेट झाली, त्यांनी सुद्धा आश्वासन दिलं आहे की आम्ही उद्यापासून डेफिनेटली स्टार्ट करू। आणि आम्ही त्यांना सांगितलं का उद्यापासून जर तुम्ही स्टार्ट जर केलं तर आम आदमी पार्टीच्या वतीनं शहर समितीच्या वतीनं आम्ही उद्या या कार्यालयामध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन करू सत्याग्रह पद्धतीनं, सत्याग्रह मार्गाने, आणि जो न्यायावर्धितील जनतेला तो आम्ही न्याय मिळवून देऊ। आणि जे गेल्या 3 वर्षापासून जे गटार योजना आहे, म्हणजे त्या गटार योजना तर म्हणजे खतम योजना आहे तीवाली, त्या गटार योजनेमुळे संपूर्ण वर्धा शहरात गटारमुळे झालं, ते सक्सेस होईल यशस्वी होईल काही सांगता येत नाही, पण शहराचा याने पूर्ण सत्यानाश करून टाकलं। आणि आम्ही शहराला न्याय देण्यासाठी, शहराच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी जे काही वारंवार जे अपघात झालेले त्यांना त्या पब्लिकला त्या जनतेला न्याय देण्यासाठी आम आदमी पार्टी उद्यापासून डेफिनेटली पुन्हा रस्त्यावर उतरेल। आणि उद्यापासून जर कामाला जर सुरुवात झाली नाही तर आम्ही या कार्यालयामध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन करू। भंडारा जिले के धारगाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। जिले के अनेक गाँवों में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। धारगाव जिला परिषद के निर्दलीय उम्मीदवार रश्मि बालूमस्के, सरिता निम्बाते समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने ओबीसी आरक्षण के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। सहा डिसेंबर रोजी सायंकाळी कोर्ट विद्यमान उच्च न्यायालयाने ओबीसी विरुद्ध जो निर्णय दिला तो खूप चुकीचा निर्णय आहे। ओबीसींना संपव राजकारणातून संपविण्याचा डाव केंद्र शासन आणि राज्य शासन दोन्हीचा आहे। केंद्र शासनाने इम्पेरिकल डाटा न दिल्यामुळे हा ओबीसीचा आरक्षण संपुष्टात आला असा राज्य शासन आरोप करत आहे, पण राज्य शासनाने आतापर्यंत कोणतेही पाऊल उचलले नाही की ओबीसींचा राजकारणातील आरक्षण संपुष्टात येईल, याच्याबद्दल अजूनपर्यंत कोणतेही उपाययोजना केली नाही आणि कोर्टामध्ये इम्पेरिकल डाट्याबद्दल काहीही सादर केला नाही। आणि इम्पेरिकल डाट्याची गोष्ट करतात तर इम्पेरिकल डाटा हा 6 ते 7 दिवसात पूर्ण मिळू शकतो, कारण आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायती ह्या ऑनलाईन झालेल्या आहेत आणि डाटा ऑपरेटर तिथं बसलेला आहे। डाटा ऑपरेटर हा पूर्ण माहिती देऊ शकतो, परंतु शासनाने कोणत्याही प्रकारची काळजी न घेता ओबीसींना संपवण्याचा कट रचला आहे। महाविकास आघाडीने इम्पेरिकल डाटा 7 दिवसाच्या आत गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करावा आणि ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा अशी आमची ओबीसी बांधवांची मागणी आहे। आणि ओबीसींचा आरक्षण जर रद्द झाला तर आम्ही सर्व ओबीसी रस्त्यावर उतरू आणि आंदोलन करू। कोरोना के नियम के चलते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में होने वाली 25वीं धम्म परिषद होगी, सादगी से कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए की जाएगी। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में बौद्ध धर्म परिषद की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आपने अंदाज किया कि भिक्षु 200 आएंगे, पर हमने बहुत सारे जहां स्टेट वाइज हमने इन्विटेशन दिया है तो उनको हमने अपने तरफ से तो हमने उनको इनविटेशन दिया, वो आना है कितना आते अभी तो हम वो अंदाज नहीं कर सकते। फिर भी एक अंदाज बोले तो हमने 200 के अंदाज निकाले। तो अभी जो आने वाला लोगों को ये जो भिक्षु संघ के द्वारा हम जो हमारा जो देश की विरासत है उसको जानकारी जरूर होना चाहिए, इसके लिए हम जो धम्म परिषद हर साल करते आए हैं। तो यही उद्देश्य प्रपोजल यही है प्रपोज अपना कि आगे जाके लोगों को जो पुरातन जितना भी है जिसको कहता है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उनको हमको मालूम करके देना है उनको कि ये जो विरासत है ये विरासत बौद्ध धम्म लोगों को है, बौद्ध समाज की है, ये जो देश की लोगों का संपत्ति है,
ये संपत्ति आप सब अपने समझ के उसको भी बचाना चाहिए, ये उद्देश्य से हर साल हम ये धम्म परिषद करते हैं। ये धम्म परिषद है, 25 धम्म परिषद है, और भी जितने हम यही करने जा रहे हैं, जितना हो सके, हम तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते। हमारा एक भिक्षु संघ के एक ही रहता है कि एक शांत, बुद्ध ने जिस प्रकार से हम लोग को सिखाया शांतता से जो भी है वो करना चाहिए, इसीलिए हम लोग परिषद के द्वारा से हम ये चीज को हम आगे लोगों को सामने दिखा रहे, समझाने को। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।